हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखें हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ साइड में देख रहे हो, हम लोग के धनिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करे और ये धनिया हम लोग सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस तरीके से बहुत तेज़ी से धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, ताकि हर कोई अपने किचन गार्डन में धनिया ईजिली ग्रो कर सके। चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आ रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर लेना, छोटे छोटे अपडेट वगैरह मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को धनिया के बीज लेने होंगे। तो ये देखिए, मैंने ये 1 कटोरी धनिया के बीज ले लिए हैं। जो हम लोग खाने में धनिया इस्तेमाल करते हैं उसी को मैंने ले लिया है। हम लोग को अलग से मार्केट से धनिया की सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो हम लोग के किचन में अवेलेबल है उसी को हम लोग ग्रो कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी हो जाएगी। बस जब भी आप दुकान पर अपने घर में खाने के लिए धनिया लेने जाएँ तो उनसे कह दीजिएगा कि आप बिल्कुल फ्रेश यानी बहुत ज़्यादा पुरानी धनिया की सीड्स ना लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग को करना क्या होगा, धनिया के बीज को 2 टुकड़े में तोड़ना होगा। मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि आप ये धनिया के बीज देख रहे होंगे बिल्कुल गोल गोल से दिख रहे हैं, और ये देखें इनको तोड़ना कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो गोल बीज थे ये 2 टुकड़े में तोड़ दिए गए हैं। इससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए जो 2 टुकड़े में टूटी हुई धनिया आप लोग को दिख रही है, उससे सिंगल सिंगल प्लांट ग्रो होगा। यानी धनिया का जो एक गोल सीड होता है उससे 2 प्लांट ग्रो होता है। आप इसमें से दोनों तरीके के सीड देख पा रहे होंगे, यानी ये वाले प्लांट से ये वाले सीड से 2 प्लांट ग्रो करेंगे एक सीड से। तो हम लोग को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ी सी मैंने धनिया के सीड लिए, इस तरीके से किसी फ्लैट सरफेस पे हम लोग को रखना है। आप इसको बेलन से भी इसको रोल करा सकते हैं। ये वाले जो मैंने सीड तोड़े, जो बेलन से मैंने इसको रोल कर दिया, तो ये सीड्स आसानी से टूट जाते हैं। नहीं तो फिर इसके बाद ये इस तरीके से लेना और इसको ऐसे हल्का हल्का सा दबाना। आप आवाज़ देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हल्का हल्का से इनको दबाऊंगा तो ये देखिए ये सारे सीड्स जो हैं ये टूट जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग को ये सारे सीड तोड़ने हैं। तो ये तो रही बात कि हम लोग को धनिया के सीड को किस तरीके से तैयार करना, उसको किस तरीके से 2 टुकड़े में तोड़ना है। उसके बाद हम लोग को करना क्या, धनिया के सीड को जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए उसको हम लोग को कम से कम 12 घंटे के लिए पानी में फुलाने के लिए रख देना है। तो ये जो सीड मैंने कल तोड़े थे इसमें से मैंने थोड़े से सीड पानी में फुलाने के लिए रख दिए थे। ये देखिए इसको लगभग 12 घंटे हो गए हैं और ये सीड अच्छी तरह से फूल गए हैं। देखिए ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो सीड्स की जर्मिनेशन प्रोसेस होती है, जैसे जो सीड पानी एब्जॉर्ब करके काफ़ी ज़्यादा फूलेगा अच्छी तरीके से, फिर वो अपनी जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं पानी में 12 घंटे फुलाने के बाद। फिर उसके बाद करना है कि हम लोग को एक कॉटन का कपड़ा लेना है, या आप लोग नॉर्मल कपड़ा भी ले सकते हो। ये देखिए ये मैंने एक ये कैरी बैग ले लिया, जो आजकल कैरी बैग होते हैं, जो पेपर बैग भी कहा जाता है इनको, ये मैंने एक बैग ले लिया। इसमें हम लोग सारे धनिया के अपने सीड्स को निकाल देंगे, यानी इसमें से पानी सारा इसमें से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग को इसमें से सारा पानी निकाल देना है, अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्रेन कर देना सारे पानी को, इस तरीके से हाथों से दबा के सारे पानी को निकाल देना। फिर उसके बाद हम लोग को एक एयर टाइट कंटेनर लेना होगा। ये धनिया को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने का मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए हम लोग को इस तरीके से एक एयर टाइट कंटेनर लेना होगा। इसमें जो रसगुल्ले वगैरह आते हैं इस तरीके के डिब्बे में आते हैं वो, नहीं तो आप किसी भी तरह के एयर टाइट कंटेनर को ले सकते हैं। इसके ऊपर से मैं ये इसका लिड होते इसकी कवर होते इसको लगा दूंगा। तो ये देखिए मैंने इसमें एक कपड़े में से सारा पानी निकाल दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक ऊपर से हल्की सी गांठ मारेंगे, हल्की सी गांठ मारनी क्योंकि अभी हम लोग को बाद में इसको खोलना भी होगा। तो इस तरीके से गांठ मारेंगे और इसमें हम लोग इसको रख देंगे और ऊपर से हम लोग इसको अच्छी तरह से बिल्कुल कवर कर देंगे। अब हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग को ऐसे ही एकदम ब्राइट लाइट वाले एरिया पर रख देना होगा, जहाँ पर इस पर हल्की हल्की रोशनी तो लगती रहे लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट तेज़ धूप नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इसका पानी सारा जो हम लोग के धनिया भीगे हुए हैं वो धनिया सूख जाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, जो धनिया हो गई वो 2 से 3 दिन में स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देगी, यानी इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं 2-3 दिन तक रखता हूँ, इसमें हल्की हल्की से स्प्राउटिंग स्टार्ट करवा देता हूँ, फिर आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग को धनिया को मिट्टी में किस तरीके से लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज ही हम लोगों का 4th दिन का रिजल्ट है और हम लोग के धनिया ने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ इसके रूट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग के धनिया ने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। देखिए मैंने स्प्राउटिंग का क्या है, स्प्राउटिंग जैसे मान लीजिए आपके तरफ का टेम्परेचर गर्म होगा तो स्प्राउटिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, अगर ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी तो स्प्राउटिंग होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये धनिया में स्प्राउटिंग हो गई है और अच्छे तरीके से इसमें रूट्स ग्रो कर गई होंगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं।
ये देखिए काफ़ी अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला और हम लोग की धनिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग गई है। कुछ धनिया में तो ये देखिए छोटे छोटे से पौधे भी बनने लगे हैं, जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं ये वाला पेड़ देखिए, इसमें देखिए नीचे साइड ये रूट्स जा रही हैं और ऊपर साइड ये ग्रीन वाला हम लोग का पेड़ भी बनने लगा है, यानी धनिया बनने लगा है। ठीक, तो हम लोग को करना क्या है अब, हम लोग ने ये देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये देखिए आप कंटेनर देख रहे होंगे हम लोग का थर्माकोल का कंटेनर है, इसमें मैंने मिट्टी भर के बिल्कुल अच्छे से इसको रेडी कर चुका हूँ मैं। इसी में मैं अपने धनिया के सीड्स को स्प्रिंकल कर दूँगी, यानी छीट दूँगा। अगर हम लोग बिना स्प्राउटिंग करे हुए धनिया के सीड्स को छीटते तो होता है कि हम लोग के धनिया ग्रो होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते, लेकिन अब ये हम लोग के धनिया हो गए दूसरे तीसरे दिन ही स्प्राउटिंग में, यानी इसमें दूसरे तीसरे दिन ही इसमें लीव्स दिखने लगेगी, ऊपर निकलने लगेगी। तो स्प्राउटिंग करने का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग धनिया ग्रो कर सकते हो। तो हम लोगों को बहुत ही सावधानी से धनिया के बीज निकालने होंगे, बहुत ही सावधानी से, हल्के हाथों से निकालना है, एकदम क्रश नहीं करना है। थोड़े बहुत जो सीड्स के रूट्स टूट जाएंगे वो हल्के से फिर से डेवलप कर जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम लोग के धनिया के बीज को स्प्रिंकल कर देना है। जो धनिया थोड़ी पास पास गिर गई उसको आप हाथ से उठा के इस तरह से थोड़ा दूर दूर कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसके बाद जो आपने गार्डन सॉइल ली हो जिस मिट्टी से मैंने ये भरा था इससे भी मैं कवर कर सकता हूँ, नहीं तो ये जो रेत होती है ये जो बोरिंग के टाइम पे रेत निकलती है इससे भी आप इस तरीके से कवर कर सकते हो, नहीं तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए तो कुछ इस तरह से हम लोगों को इसको अच्छे से कवर कर देना। अब मैं इसको एकदम हल्की सी वॉटरिंग कर दूंगा, ये जो एकदम अच्छे से पूरा एरिया मैं भिगो दूंगा ताकि हम लोग के धनिया के जो सीड्स हैं वो हल्के हल्के स्प्राउट करें तो वो जड़ पकड़ लें, इसमें हल्के हल्के से धनिया ग्रो हो जाए, फिर आगे मैं आप लोगों को इसका अपडेट दिखाता हूँ कि कैसा मिला हम लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हम लोगों का 10 दिन के बाद का अपडेट है, जब हम लोगों ने सीडलिंग डाली उसके बाद 10 दिन के बाद ये हम लोगों को रिजल्ट मिला है कि हम लोग के धनिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गई। कुछ आप धनिया देख रहे हो इसमें 2-2, 3-3 पत्तियाँ भी निकल आई हैं, मैं पास से दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए आप लोग नोटिस करोगे कि इस पर देखिए धनिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और साथ ही साथ नीचे आप लोग देख रहे होगे नीचे साइड से देखिए कुछ अभी और भी इसमें बीजें निकल रही, यानी धीरे धीरे इसमें धनिया और ज़्यादा घनी होती जाएगी। साथ में दिक्कत क्या हो रही है आप लोग नोटिस करोगे कुछ इसमें जंगली घास वगैरह भी निकल रही है, जैसे कि आप लोग इसमें देखोगे ये देखिए एक ये जंगली घास निकल आई है और इधर भी मैं पास में दिखाऊँ आप लोगों को तो इसमें ये देखिए ये जंगली घास वगैरह निकल रही है। तो हम लोगों को करना क्या है, इस तरीके से इसको बहुत ही सावधानी से इस तरह से उखाड़ उखाड़ के हटा देना, देखिए कुछ इस तरह की ये जंगली घास निकल रही, तो इसको हम लोगों को अभी ये छोटी है तभी हम लोगों को इसको हटा देना, नहीं तो ये भी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम लोग के धनिया को ये पूरी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन ना मिलकर हम लोग ये घास जिस तरह से ग्रोथ करने लगेगी। तो छोटे में ही हम लोगों को ये सारी घास उखाड़ उखाड़ के हटा देनी है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का 25 दिन के बाद का अपडेट है, हम लोगों के धनिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गई, मैं दिखाऊं देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गए हम लोगों के धनिया, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गए, उसकी पत्तियां भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। हम लोगों का पूरा कंटेनर देखिए धनिया से भर गया, जैसे मैंने आप लोग से कहा था हम लोगों का पूरा कंटेनर बिल्कुल धनिया से भर जाएगा। कुछ पत्तियाँ वगैरह इसमें लाल हो रही हैं तो वो धूप तेज़ होने की वजह से इसमें थोड़ी पत्तियाँ वगैरह लाल हो रही हैं, तो मैं करता क्या हूँ जो पत्तियाँ ज़्यादा लाल होने लगती है जैसे ये पत्ती है इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं और अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो धनिया नीचे से ग्रो हो रही है वो काफ़ी अच्छी एकदम हरी भरी धनिया ग्रो हो रही है, जैसे यहाँ मैं दिखाऊँ ये देखिए ये वाली जो हम लोगों के धनिया की ग्रो हो रही है वो एकदम ग्रीन ग्रो हो रही है। और साथ में इसमें कुछ जंगली घास वगैरह निकल रही जो हम लोगों ने इसमें गोबर खाद इस्तेमाल किया तो उसमें हो सकता है जंगली घास के बीज वगैरह हों, तो कुछ जंगली घास वगैरह निकल रही तो उसको हम लोगों को इस तरीके से निकालते रहना होगा, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों को निकालते रहना होगा तो हम लोगों के धनिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। तो फ्रेंड्स चेरा हम लोगों का बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से धनिया ग्रो करने का तरीका, अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से ग्रो करते तो इतनी बड़ी धनिया होने में हम लोग को लगभग 50 दिन के आसपास लग जाते, लेकिन इससे हम लोगों के आधे दिन में धनिया इतनी बड़ी हो गई है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने धनिया को ग्रो करें और अपने किचन में इस्तेमाल करिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर तो सब्सक्राइब बटन ब्लिंक कर रहा होगा उसको दबा के हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे होंगे जो कि पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी जरूर देखेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।